कितना प्यारा व्यू दिख रहा है मेरे होटल के रूम से, बहुत टेस्टी है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेथ ग्लाइडिंग। आज निकलेंगे चंडीगढ़ से शिमला के लिए एंड मैं यहाँ से एक बस कर रहा हूँ जो शिमला तक पहुँचा देगी मुझे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे शिमला में एंड आपको सारा बताऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊँगा एंड कितना कितना मेरा एक्सपेंस हुआ है, कौन सा होटल होगा, सब कुछ मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा। तो फाइनली मैं शिमला पहुंच गया हूँ एंड मैंने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं चंडीगढ़ से सुबह मॉर्निंग में निकला था करीब 9 बजे के आसपास एंड वहां से मैंने ऑर्डिनरी बस की थी हिमाचल रोडवेज, तो वो मुझे पड़ी थी करीब 250 रुपए की। सो 250 रुपीज में मैं आ गया वहां चंडीगढ़ से शिमला। एंड शिमला पहुंचने के बाद मैंने कुछ होटल देख रखे थे बट मेरे को ये वाला होटल सही लगा, तो मुझे ये रीजनेबल भी पड़ा, तो मैंने कहा मेरे हिसाब से एज अ सोलो ट्रैवलर बहुत सही है। एंड मैंने इस होटल में छोटा रूम लिया है जो मुझे पड़ा है करीब 700 रुपये पर नाइट का एंड यहाँ से मॉल रोड करीब 8 से 10 मिनट की वॉकिंग है। तो इस होटल का नाम है होटल बसंत। तो चलिए इस रूम का मैं टूर दे देता हूँ कि ये रूम कैसा दिखता है। तो ये रूम यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंट्री है रूम की एंड रूम के अंदर आते ही आपको मिल जाएगा डबल बेड एंड रूम का व्यू कुछ ऐसा है। सो बेसिकली आपको डबल बेड मिल जाएगा, ये डबल बेड नॉर्मल साइज़ का नहीं है, थोड़ा छोटा है बट मेरे अकेले के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। एंड बाकी यहाँ पर बेड के जस्ट पीछे यहाँ पर आपको मिल जाती है बहुत बड़ी सी विंडो पेन, यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ये दो विंडोज़ ओपन हो जाती हैं, ये वाली कांच की ये क्लोज रहती है एंड यहाँ से आपको जो व्यू दिखता है वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर जो आप वहाँ देख रहे हो पहाड़ की तरफ ऊपर, वो है जाखू टेम्पल एंड इस तरीके का कुछ व्यू आपको दिख जाता है। तो ये जो आप नीचे रोड देख रहे हैं ये ओल्ड बस स्टैंड वाली रोड है एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है, साइड टेबल्स भी मिल जाती है दोनों तरफ एंड टेलीफोन भी मिल जाता है ऑफ कोर्स नीचे अगर बात करनी हो तो। एंड इस तरफ है बालकनी जो कि कॉमन बालकनी है, एक और रूम के साथ शेयर्ड बालकनी है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये दूसरा रूम है, दूसरे रूम का गेट है एंड विंडो है उनकी एंड ये इस टाइप की बालकनी है एंड यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड बालकनी के जस्ट राइट साइड में आपको एक अलमीरा मिल जाती है वुडन एंड यहाँ पर एक छोटा सा मिनी ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है एंड डस्टबिन एंड यहाँ पर चेयर टेबल, दो चेयर है, एक टेबल है एंड यहाँ पर आ गया आपका टीवी एंड इस साइड हो गया अपना वॉशरूम एंड वॉशरूम भी बहुत क्लीन है, रूम भी बहुत क्लीन है एंड इस तरीके का है कुछ। यहाँ नहाने के लिए ठंडा गर्म पानी सब कुछ है, ऊपर गीजर लगा हुआ है, एग्जॉस्ट भी है एंड शावर भी है। तो मेरे ख्याल से कोई भी इशू नहीं है वॉशरूम में भी, वॉशरूम भी बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली ये कमरा है एंड ये मुझे पड़ा है 700 रुपीस का होटल बसंत में। तो ये ऑफ सीजन चल रहा है मे बी, इसलिए 700 रुपये तक का मिल गया ये आराम से। अच्छा हाँ, एक और बात, ये वीडियो मे बी आपको थोड़ा लेट दिखेगी, आज डेट है 11th मार्च, तो उस हिसाब से देख लेना कि मुझे ये होटल किस टाइम पे कितने रुपये का पड़ा है। तो चलिए मैं लंच करना चाहता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करूँगा एंड देन उसके बाद थोड़ा आउटिंग के लिए निकलेंगे। तो इस समय शाम के 7:45 हो चुके हैं एंड देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है मेरे होटल से। मैं निकल चुका हूँ अपने होटल से एंड मैं जा रहा हूँ इस समय मॉल रोड की तरफ एंड मैंने सुना यहाँ से 4-5 मिनट की वॉकिंग पे हिमाचल टूरिज्म की लिफ्ट है। तो चलिए ऊपर चलते हैं मॉल रोड की तरफ एंड आपको नाइट व्यू दिखाता हूँ मैं वहाँ जाके। तो यार यहाँ पर आपको एक लिफ्ट मिल जाएगी, 10 रुपये की टिकट आपको मिल जाएगी यहाँ से लिफ्ट की एंड वहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर भी दो लिफ्ट लगी है, वो नई लिफ्ट लगी हुई है
एंड हम जाएंगे इस लिफ्ट में, ये सेंटर में जाएगी, उतर के आगे पैदल जाना पड़ेगा, फिर आगे दूसरा लिफ्ट मिलेगा। कैंडल पॉइंट कितनी दूर होगा ऊपर जाने के बाद? हार्डली 10 मिनट लगेंगे पैदल आराम से जाते हुए। तो ये वाली जो लिफ्ट है इसमें एक टाइम पे 26 पैसेंजर्स आ जाते हैं। तो यार हम पहुंच गए हैं मॉल रोड की तरफ एंड लिफ्ट से आने में करीब मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो देखते हैं कुछ सीन, यहाँ पर आप पास में ही है लक्कड़ बाज़ार एंड 10 से 15 मिनट की वॉक के बाद आएगा हमारा स्कैंडल पॉइंट। तो देखते हैं कुछ नाइट व्यू इस मॉल रोड के। मॉल रोड के बीच में एक पॉइंट आता है, यहाँ से आपको पूरा नाइट व्यू दिखता है शिमला का एंड ये हमारी मॉल रोड। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं सामने चर्च के जस्ट सामने नीचे की तरफ मॉल रोड पे आपको ये व्यू पॉइंट मिल जाएगा। जब आप दिन में आएंगे रोशनी में आएंगे तो आपको और भी अमेजिंग व्यू दिखेगा यहाँ से पूरे शिमला का। चलो जी आ गया अपना स्कैंडल पॉइंट जिसके लिए हम इतनी देर से मॉल रोड पे वॉक कर रहे थे एंड स्कैंडल पॉइंट आने के बाद आपको दो रोड देखेंगी, एक ऊपर जा रही है एक नीचे की तरफ जा रही है। तो चलिए कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड पिक्चर्स क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ब्रेथ ग्लाइडिंग नाम से पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पर फोटोज़ के लिए आपको मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा हम वहाँ आए थे नीचे से एंड हम गए हैं स्कैंडल रोड स्कैंडल पॉइंट की तरफ एंड स्कैंडल पॉइंट की तरफ से यहाँ पर एक और रोड आ रही है, ये भी मॉल रोड ही है। तो चलिए इस पर भी थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं एंड देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे सीन्स। तो ये रोड ख़त्म होती है आके यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं रिज जहाँ से एक बहुत ही प्यारा व्यू आता है मॉल रोड शिमला का एंड वहाँ पर आप देख रहे हैं चर्च। जब मैं उधर से आया था तो आपको मैंने नीचे से व्यू दिखाया था चर्च का एंड ये ऊपर से व्यू एंड ये बहुत ही चौड़ी रोड है यहाँ पर एंड नाइट व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पर। तो ये है रिज एंड यहाँ पर अभी फाउंटेन्स बंद हो रखे हैं बट जब फाउंटेन्स चलते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आता है यहाँ पे। एंड रिच के बगल में अगर आपको घोड़ा सवारी करनी है तो आपको यहाँ घोड़े भी मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं ऊपर व्यू पॉइंट पे रिच के। तो जैसे आप रिच से ऊपर की तरफ आएंगे तो अगर सबसे ऊपर आएंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। ये फाउंटेन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये व्यू पॉइंट है इससे ऊपर आके एंड ये कुछ यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है मॉल रोड का।
फिर जल्दी जल्दी मैं रिज की तरफ तो चले गए, चर्च को भी पार कर लिया, बट एक त्रिशूल बेकरी करके एक जगह है, एक बेकरी है त्रिशूल बेकरी, वो बहुत फेमस है यहाँ पर, तो वहाँ सोचा यार वहाँ का कुछ ट्राई किया जाए, तो चलते हैं वहीं पर। त्रिशूल बेकर्स 1959 से, एंड यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना लेट हो चुका हूँ कि मुझे वैरायटी बहुत कम मिल रही है। एंड अभी मैं खाने वाला हूँ स्पूनी, जो कि ये ऐसा दिखता है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है मुझे। एंड ये कौन सी, हाँ चॉकलेट एक्लेयर्स, ये भी एक मस्ट ट्राई चीज़ है, आपकी बहुत ही फेमस है, चॉकलेट पेस्ट्री एंड स्पेशल चॉकलेट की है। एंड एक चीज़ और बता दूँ, मैं लेट हो गया हूँ इस वजह से यहाँ पर बहुत कम वैरायटी है, 90% करीब चीज़ें अभी इस समय ख़त्म हो चुकी है, जो फ्रेश बनती है मॉर्निंग में, एंड आपको पूरे दिन फ्रेश सर्व होती हैं। तो जैपनीज़, हाँ मैंने जैपनीज़ के बारे में, हाँ राइट, टॉप और बॉटम जो है वो मुराइंग बिस्किट है, सेंटर में चॉकलेट विद स्पंज है, सेंटर में चॉकलेट स्पंज है, चॉकलेट विद स्पंज, विद स्पंज, चॉकलेट विद स्पंज, दैट इज द डिफरेंट ऑफ स्पूनीज। नहीं नहीं नहीं, अगर आप आ रहे हो तो जैपनीज पेस्ट्री, जैपनीज पेस्ट्री इज अ मस्ट आई थिंक, एंड ये तीनों भी बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं हाल फिलहाल मैं, हाँ जी हाँ जी, त्रिशूल के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिल सकती जैपनीज, हाँ जैपनीज पेस्ट्री और स्पूनी, ये आपको त्रिशूल बेकरी के अलावा कहीं भी नहीं मिल सकती। मैं अभी ये ट्राई करने वाला हूँ एक, एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। तो ये ले लिया मैंने चॉकलेट स्पूनी, बहुत टेस्टी है, यू मस्ट ट्राई दिस थिंग। तो यह बहुत ही बढ़िया व्यू आता है अगर आप रात के समय में आते हैं तो, मेरे हिसाब से तो ये मस्ट विजिट प्लेस है, एंड ये फेमस ही, अगर कोई शिमला आए और मॉल रोड ना घूमे तो फिर शिमला आने का क्या ही फ़ायदा। तो हम देखते हैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करके मैं होटल में जाता हूँ, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो सकती हैं इस समय। एक छोटी लिफ्ट भी तो होती है ना, वो बंद हो गई, एक दे देना प्लीज़, कोई बात नहीं जी। एक्चुअली बंद करने का टाइम हो गया ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू।